अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी 9 केमिस्ट्री क्लास है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास लॉस हम ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो बेसिक इन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये कहलाती है कि हमारे पास जितना भी मास होगा किसी भी रिएक्शन का, रिएक्शन से बिफोर जितना मास होगा वही मास रिएक्शन के बाद होगा, ठीक है। अच्छा, इसको जो वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमसे एग्जाम से एग्जाम में पूछी जाती है, वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है उसे कहते हैं लैंड ऑल्ट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? लैंड ऑल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये लैंड ऑल्ट एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये लैंड ऑल्ट एक्सपेरिमेंट है क्या? तो हम इस पहले इसके एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक एच शेप ट्यूब है, ठीक है। ये एक एच शेप ट्यूब है और इन दोनों के टॉप से इसे सील रखा गया है, सील लेंगे दोनों, ठीक है। ये लिप लिम्ब ए कहलाती है, ये लिम्ब बी कहलाती है, एच शेप ट्यूब है। इसी एक एक साइड में हमने हमने ले लिया है सिल्वर नाइट्रेट, एक साइड पे लिया हमने ए जी एन ओ थ्री, ए जी एन ओ थ्री, ए जी सिल्वर एन ओ थ्री नाइट्रेट, और दूसरी साइड पे ले लिया हमने एच सी एल। लिम्प ए को फिल किया सिल्वर नाइट्रेट से, लिम्प बी को फिल किया एच सी एल। तो लैंड ऑल एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास? इन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली, दोनों के टॉप ऊपर से सील्ड है और ये दोनों के लिए एक इन्होंने पैसेज बना दिए, लेकिन हमने यहाँ तक एस सी ए जी एन ओ थ्री लिया और यहाँ तक ले लिया एस सी एल, ठीक है। तो हमने रिएक्शन भी साथ साथ लिखेंगे, तो ए जी एन ओ थ्री प्लस एच सी एल। इन्होंने क्या किया? एच शेप ट्यूब ली, लिम्ब ए को सील्ड कर दिया, बी को सील्ड कर दिया, लिम्ब ए के अंदर ए जी एन ओ थ्री डाल दिया, बी के अंदर एच सी एल ले लिया और इसे विदाउट शेक किए उठा के इसका वेट कर लिया, ठीक है, वेट कर लिया। अब वेट करने के बाद दोबारा इसे शेक किया, जब इसे शेक किया तो ये सारा ए जी एन ओ थ्री और एस सी एल आपस में मिक्स होना शुरू हो गए, सब ये मिक्स हो गया, ए जी एन ओ थ्री और एस सी एल सब आपस में मिक्स हो गया। इन्होंने रिएक्शन किया, तो जब रिएक्शन किया
तो सिल्वर HCl के Cl से जाके मिला, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बना दिया। और हाइड्रोजन Cl के साथ मौजूद हाइड्रोजन NO3 के साथ मिलकर HCl बना देता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बना, सिल्वर नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर AgCl के साथ मिला तो सिल्वर क्लोराइड बना। क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। और HNO3 के साथ मिला तो HNO3। अब उन्हें कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गया, इसलिए कि जब इन्होंने इस रिएक्शन में इस ट्यूब को शेक किया, इन्वर्टेड पोजीशन में लेके आए, शेक किया, तो ये सारा सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ मिला, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसकी पीपीटी बनी, पीपीटी में प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए, क्लाउड बनना शुरू हो गए इसकी। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे, तो वो समझ गए कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दोबारा जब इसको उठा के इसका वेट किया गया तो बिफोर रिएक्शन जितना वेट था वही रिएक्शन, बिफोर आफ्टर भी वही सेम आए। इस तरह जो मास पहले मौजूद था वो सेम था दूसरे मास के, दोनों का वेट बिफोर और आफ्टर सेम आया। तो इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो आपके पास सामने नोट्स दिए मैं इसको भी आपको एक मरतबा पढ़ के बता देता हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट तो आपके पास लिखी है, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इसकी पढ़ के बता देता हूँ और आपको यहाँ से ये बातें भी समझाता हूँ। देखिए, दिस लॉ वॉज वेरीफाइड मैनी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बल्कि। ही टुक अ एच शेप ट्यूब हैविंग लिम्प ए एंड बी। एच शेप ट्यूब ली थी, ए और बी इसके लिम्प हो गए। वन लिम्प ए वॉज फिल्ड विद ए जी एन ओ थ्री, एक में ए जी एन ओ थ्री ले लिया। एंड द अदर लिम्प वॉज फिल्ड विद एस सी एल, दूसरे में एस सी एल। The upper portion of the shape was weighted. Upper portion of the lymph was were sealed. दोनों की portion, upper portion थे दोनों के sealed थी। Both solution are colorless. Reaction से पहले दोनों के solution colorless हैं। ये ख्याल रखना है, reaction से पहले दोनों के solution colorless। HCl भी colorless होता है, silver nitrate भी colorless। अच्छा, the S-shaped tube was weighted in vertical position to avoid mixing. एज इट इज मिक्सिंग से बचते हुए पहले इसको वेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा इसे मिक्स करेंगे, फिर वेट करेंगे। द ट्यूब वॉज इन्वर्टेड एंड शेकन, उसको उल्टा सीधा किया, शेक किया, द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर, ये हमारे पास लैंड ऑल एक्सपेरिमेंट हो गया, कंप्लीट लिखा हुआ है आपके पास, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या है, रिवर वाटर फॉर्मूला क्या होगा, H2O। रेन वाटर फॉर्मूला H2O। टैप वाटर, अच्छा लेबोरेटरी वाटर, कोई भी वाटर कहीं से भी ले लें उसका फार्मूला हमेशा H2 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन ये 2 लिखा हो, 2 एटम्स लगे हुए हैं, 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है, इसका रेशियो बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 वन जर 2, 2 एट जर 16। ठीक है, कोई भी डिफरेंट सैंपल लिए जाए तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा सेम होगी। यही हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन है कि डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर, रिवर से लिया, रिवर वाटर लिया जाए, रेन वाटर लिया जाए, लैब वाटर लिया जाए, टैप वाटर लिया जाए, पंप वाटर लिया जाए, किसी भी टाइप ऑफ वाटर लिया जाए उसका फॉर्मूला H2 होगा। उसके अंदर सिंपल रेशियो हाइड्रोजन की 1:8 होगी, 1 टाइम हाइड्रोजन होगा और 8 उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। यही हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है,
स्टेटमेंट पे आ जाए, डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, ठीक है, ये आपके पास सारे स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद आपकी वाटर की सब सबकी एग्जाम्पल दे दी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो कि हमें जे जे बर्जलिस ने जो एग्जाम्पल करके दिखाई थी। इन्होंने क्या किया था, हमारे पास 10 ग्राम लेड को 10 ग्राम पीबी लेड 10 ग्राम लिया, सल्फर 1.6 ग्राम लिया, जब इसको रेड करवाया तो पीबीएस लेड सल्फाइड बना 11.56 ग्राम, कितना बना 11.56 ग्राम, ठीक है, ये तो एक उन्होंने एक्शन कर लिया, क्लियर। जब उन्होंने 10 ग्राम लिया तो लेड का सल्फर ग्राम 1.6 ग्राम लो लिया तो 11.5। अब हमने सेकंड टाइम क्या लिया, केमिकल कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन लेनी है हमने, ठीक है, ये कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे सिखाई उन्होंने, उन्होंने ये कहा, नेक्स्ट टाइम क्या किया जेजे बर्जलिस ने, कि लेड को बढ़ाकर 18 ग्राम कर दिया, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ लेड ले ली और सल्फर के 1.6 ग्राम ही लिए, तो वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है तब भी जो कि लेड सल्फाइड बन रहा है वो 11.56 ग्राम ही बन रहा है, ठीक है, जिससे ये साबित हो गया कि लेड और सल्फर को मिक्स करके ये रिएक्शन करवा के जब भी लेड सल्फेट बनाना होगा तो वो 11.56 एक कांस्टेंट बनेगा, जब 10 ग्राम और 1.56 ग्राम, अगर इन दोनों के ग्राम्स को चेंज कर दिया जाएगा, इनकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाएगा, इनकी ग्राम्स मास को चेंज कर दिया जाएगा, तो वो एक्सेस अमाउंट उन्होंने करके देखा कि सर लेड का, तब भी वो चेंज हो गया 11.56 ग्राम में चला गया। इसका मतलब ये कि एक्सेस अमाउंट से कोई डिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो एक्चुअल अमाउंट है वही रिएक्ट होकर सल्फर के साथ लेड सल्फेट बनाएगी। इस तरह एक कंपोजिशन कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में, क्लियर। तो स्टूडेंट आज के लिए छोटी सी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑल एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी डिफरेंट सैंपल की बारे में वो हमने, उसके बाद वाटर की एग्जांपल पढ़ी, और ये जे जे बर्जलिस के एग्जांपल है जो कि आपको सिखाई है और ये आपके नोट्स में भी मौजूद है। इस तरह आपके आज दो लॉज जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इसके स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जाम्पल, और सेकेंड है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा इसको क्वेश्चन यूँ लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद इट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, विद इट्स वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में आप लैंड ऑल एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा सेकेंड बन जाएगा लॉ ऑफ, स्टेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन विद दिस एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप वो वाटर की एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड जो कि लेड और सल्फर की एग्जाम्पल हमें जे जे बर्जलिस ने लिखी थी हमारी बुक में मौजूद है, नोट्स में मैंने बता दी गई है, तो ये वहाँ से देख के लिख लेंगे। इस तरह आपके पास आज के दो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास कंप्लीट हो गए, मजीद दो लॉज और भी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट दो लॉज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।